प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर्व पर रामनवमी के लिए देश भर में श्रद्धालुओं की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी रामनवमी के लिए कार्यालय का उद्घाटन किया और इसके साथ ही उन्होंने मंच से ही हिंदुओं को एकजुट रहने को कहा। छतरपुर में रामनवमी के दिन विशाल जुलूस निकलेगा, जिसकी तैयारियां और व्यवस्था के लिए बने कार्यालय का उद्घाटन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर भारत हिंदू राष्ट्र के जय के नारे लगवाए, साथ ही सभी हिंदुओं को हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़ा होने की बात भी कही। सिर्फ उन्होंने हिंदुओं को जागृत होने की बात ही नहीं कही, उन्होंने कहा कि मैं फरमाइशी गीत नहीं हूँ, मैं कितनी बार चैलेंज जीत चुका हूँ, लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये सब करते हैं। आपको बता दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ मंच पर कई संत महात्मा और धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी हस्तियाँ विराजमान थी। छतरपुर के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले का ये सौभाग्य है, गौरव है कि हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से ही आज विगत 17 वर्षों से श्री राम नवमी पर भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिससे समूचे मध्य प्रदेश में सनातन संस्कृति की जागृति हुई थी। और एक समय था कि जब लोग धर्म ध्वज लगाने से भयभीत रहते थे, लेकिन आज पूरा भारत राममय हो रहा, और इसमें कहीं ना कहीं एक श्रेय मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।